ब्रह्मा कुमारों से भी मिलना जुलना होता रहता होगा। और पुराने जो एडवांस के हैं जो भट्टी करके आए, फिर उनको कुछ अनिश्चय पैदा हुआ होगा, तो प्रश्न तो उठते हैं। तो जो भी प्रश्न उठते हैं अपनी डायरी में तो नोट करना चाहिए, और जब मौका मिले तो बाबा से फोन में क्लियर कर लेना। आजकल ईमेल चल पड़ा है कंप्यूटर में, तुरंत का तुरंत जल्दी जल्दी जवाब मिल जाता है। ईमेल से प्रश्नों का समाधान कर लेना, पत्र आने जाने में तो देर होती है। और पार्टी कोई जाती है तो पार्टियों से भी आने जाने से समाधान मिल जाता है। फिर बाबा जब आते हैं तो जिन प्रश्नों का समाधान कहीं से भी ना मिलता हो वो बाबा से ले लेना चाहिए। आजकल तो सभी जगह मुरली के साथ साथ वार्तालाप का क्लास भी चलता है, और मुरली में बोला भी है कि बाप दादा बातचीत करते हैं बच्चों से, ये मुरली नहीं है क्या? मुरली है या नहीं है? वो भी मुरली है। मुरली में बोलता है अहंकारियों को वर्षा नहीं मिलता है, माफ नहीं किया जाता है, उसको नजाय सतयुग में नहीं मिलती है या संगम युग में नहीं मिलती। संगम युग में तो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों का सेवा का काम है या राजा ही का काम है? है? उनका तो काम है सेवा करना। दूसरी बात यह है कि जो नास्तिक होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो तो अहंकार के वशीभूत होकर के यही दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं जैसे यहाँ राजाई ले ली, यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो वहां की कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो वो सतयुग में नहीं जाएंगे? सतयुग में जाएंगे, प्रजावर्ग में आएंगे, राजा नहीं बनेंगे। बाप दादा बाप आए हैं राजा बनाने के लिए या प्रजा बनाने के लिए? राजा बनाने के लिए आए हैं। राजा नहीं बनते हैं तो प्रजा तो खुद ब खुद बन जाते हैं। और द्वापर कलयुग में भी राजा ही उनको ही मिलेगी जो यहाँ निरहंकारी बच्चे बनेंगे। यहाँ अहंकार रहा देह का तो यहाँ भी राजा ही खत्म हो जाती है 21 जन्मों की, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी राजा ही चट हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, माने देह अभिमानियों से अहंकारियों से देह अहंकारियों से बात नहीं करते। क्यों? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आए। पढ़ाने तो आए, क्या पढ़ाने आए? वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो तो 1 जन्म के लिए। और बाप 21 जन्मों के लिए राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये राजा बनाने की पढ़ाई कभी किसी ने नहीं पढ़ाई सिवाय बाप के। इतने बड़े बड़े राजाएं हुए देश विदेश में, हजारों की तादाद में राजा हुए होंगे, लेकिन उनको राजा ही करना किसने सिखाया? कब सिखाया? कभी तो सिखाया होगा, किसी ने तो सिखाया होगा। ये राजाई की पढ़ाई बाप आकर पढ़ाते हैं। राजा किसी के अधीन नहीं होता है, और जितने भी होते हैं पढ़ाई पढ़ने वाले, वो पढ़ाई पढ़ के जो नौकरी लेंगे तो अधीन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो पढ़ाइयाँ जो होती हैं, जो मनुष्य गुरुओं के द्वारा पढ़ाई जाती हैं, उन पढ़ाइयों में बनते हैं अधीन, और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे बनते हैं स्वाधीन। कैसे स्वाधीन? यहाँ संगम युग में भी अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाले राजा बनते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं, और वहां भी राजा बनेंगे। तो ये सतयुग में जो 9 लाख आत्माएं सतयुग के आदि में होंगी, वो मतलब अभी से मतलब वो डायरेक्ट 9 लाख आत्माएं कैसे होंगी? जबकि 4.5 लाख जन्म देने वाले, 4.5 लाख जन्म लेने वाले सतयुग के आदि में तो सबसे पहले 4.5 लाख ही जाएंगे।
साढ़े चार लाख तो होंगे जन्म देने वाले 2036 तक, और जन्म लेने वाले कितने होंगे? साढ़े चार लाख, तो कितने हुए? तो 2036 तक में ही साढ़े चार लाख का फिर जन्म भी हो जाएगा तब ना वाले में। जन्म भी होगा? क्रिस्त का पहला जन्म बाबा 36 में होगा या पहले हो जाएगा? 36 में क्यों होगा? 36 में तो बता दिया, 200 साल जब संगम के पूरे होंगे, जब सत्य एक्यूरेट शुरू होगा तो आबादी भी बता दी मुरली में 9,16,108 आबादी होगी। हाँ, 50 वर्ष हो जाते हैं ब्रह्मा की उम्र कम, 84 जन्म में से 5,000 साल में से उनका ऑल राउंड के पार्ट में से कितना वर्ष कम हो जाता है साकार में? 50 वर्ष उनका कम हो जाएगा। 18-20 साल की आयु में भी बताया है, विकारियों से बात करते नहीं। विकारियों से तो बात करते हैं लेकिन मिलते नहीं, लेकिन आत्मिक स्थिति वालों से, जो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं, आत्मा बनकर के बैठे हैं, उन आत्माओं से बात करता हूँ। ऐसे नहीं कि बाबा के सामने सभा में आके बैठते हैं तो देह अभिमानी बनकर के बैठे, उनसे बात नहीं करता हूँ। किन से बात करता हूँ? आत्माभिमानी। फिर ये भी अभी अव्यक्त वाणी में बोला, अगर क्रोध करते रहेंगे तो क्रोधियों से मैं बात नहीं करूंगा, मिलेंगे भी नहीं। और अलवेलापन क्या होता है बाबा? जब किसी बात की गहराई का पूरा पता नहीं होता है तो अलवेलापन आता है। जैसे कोई दुकानदार होता है और दुकानदार की खूब बिक्री होने लगे तो मुनाफा ज्यादा होगा ना, मुनाफे का पता है कि हमें ज्यादा मुनाफा होगा तो उसको अलवेलापन और सुस्ती आएगी, नहीं आएगी, भाग जाएगी। ज्ञान भी चार अवस्थाओं से गुजरता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तमो। अच्छा बाबा, झारखंड राज्य बाद में क्या अलग हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़ है, उत्तरांचल है, ये अलग होने वाले प्रदेश है ना। झारखंड में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ बनाए जाते हैं, तो इनका गहन में भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं ना। भारत का भी सबसे मतलब बना राज झारखंड को ही माना गया होना चाहिए, लेकिन है गरीब लेकिन माना इसका मतलब हुए भी गरीब है। इसका मतलब ये हुआ कि अलवेलेपन में रहते हैं। और बाबा, झारखंड का ब्याज में क्या है? झाड़ का एक खंड है। बिहार में भी बाबा यहाँ से लास्ट में, जैसे यहाँ लास्ट में अलग लास्ट हो क्या, बिहार में भी बच्चे लास्ट में यहाँ के प्रकट हैं? हुई तो बस्ती लास्ट में, लेकिन लास्ट में 2004 में भट्टी होने के बावजूद भी इतनी प्रगति करनी चाहिए, लास्ट तो फास्ट जाना चाहिए, वो तो नहीं जा रहे हैं। तो जैसे अभी सेवा में जाते हैं, अभी हमीरपुर सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ कुछ आत्माएं लगती है कि सुनने वाला है, तो लेकिन वहाँ सुनाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि दीदी दादी रहती है, तो वहाँ कैसे सुनाएंगे? उनके सामने क्यों सुनाना? तो पांडव है ही गुप्त, गुप्त होकर के घूमते हैं, और एक एक को समझाना है, हुजूम को तो समझाना नहीं है, सन्यासियों में सर तो उनके लिए तो उनमें फिर हम लोगों को तो उनका परिचय लो और उनके घर में जाके उनको समझाओ, जो समर्पित भाई है उनको।
समर्पित भाइयों को भी अकेले में पकड़ो। हाथी जब झुंड में रहते हैं तो झुंड में शेर हमला नहीं करता, इकट्ठे हो जाते हैं, अकेले को पकड़ते हैं। कौन? शेर। तो शेर बन के घूमते रहो। तो उसके सेंटर से गुप्त रूप में मतलब ऐसे बोल सकते हैं दीदी लोगों को कि हम लोगों को भी कुछ सेवा दीजिए, और सेवा के ही माध्यम से जो लगेगा निकलने वाला उसको एकांत में सुना सकते हैं, क्यों नहीं? ये ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, वो तो एक एक कोई दिया जाता है। हर आत्मा के स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं। चार आत्माओं की इकट्ठा बैठ के सुनाएंगे, उनमें एक कौआ होगा वो सबको उखाड़ देगा। इसलिए एक एक को बैठ के समझाने चाहिए, उससे राजाएं निकलते हैं। भीड़ को संदेश देने से प्रजा निकलती है। एक को बैठ के समझाएंगे तो अभिविचारी दृष्टि की पावर उसे मिलेगी, अभिविचारी वाचा की पावर मिलेगी, क्या अभिविचारी ईश्वरीय ज्ञान सुना देंगे तो उस आत्मा में ज्यादा ताकत बढ़ेगी। तो जैसे जो भी आत्माएं निकालेंगे तो उनको फिर गीता पाठशाला में लाके खोज कराना, वो तो उनके अपने अंदर जब बुद्धि में बात बैठेगी तो खुद स्वतः ही आएंगे, स्वतः ही पूछेंगे आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आपका संगठन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक जगदम्बा की दुर्गति नहीं हो तब तक किसी का नहीं हो। बिल्कुल, माताओं की दुर्गति नहीं हुई है सबसे ज्यादा दुनिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा आज दुर्गति किसकी हो रही है? कन्याओं की हो रही है, कुमारों की हो रही है, अधर कुमारों की हो रही है, या माताओं की हो रही है? माताओं की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है। तो माताओं में सबसे मुख्य माता कौन? जगदम्बा। तो जगदम्बा जो सब माताओं की माता है, उसकी जब तक सदगति न हो तब तक सारी दुनिया की सदगति नहीं हो सकती। सारी दुनिया का बीज है दिल्ली। क्या? दिल्ली दुनिया में जितने भी देश हैं, सब देशों की राजधानी उतनी महान नहीं है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली महान है। कैसे महान है? कि दुनिया के हर धर्म के व्यक्तियों ने, हर धर्म के लोगों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया है। तो फिर ये आशी देव जो है बाबा, इसकी कैसे हुई? हैं? आशी देवों की क्या सदगति? आशी देवों की सदगति भी तब होगी जब सारे जगत की जो माता है उसकी सदगति हो। पहले 108 प्रत्यक्ष होंगे या विष्णु प्रत्यक्ष? तीन अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए? तीन सीट फिक्स नहीं हुई है? हुई है, लेकिन बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुई है। दुनिया के आगे या बेसिक वालों के आगे तो प्रत्यक्ष नहीं हुई है। तो हमारे सामने तो वो तीन मूर्तियां भी प्रत्यक्ष हैं, उनमें विष्णु की मूर्ति भी प्रत्यक्ष है। हम थोड़े कह सकते कि हमारे सामने तीन मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं है। हमारे सामने तो ब्रह्मा की मूर्ति भी प्रत्यक्ष है, विष्णु की मूर्ति भी प्रत्यक्ष है, और शंकर की मूर्ति भी प्रत्यक्ष है। बाबा अष्टदेव में ब्रह्मा बाबा नहीं आएंगे? अष्टदेव में बाबा क्यों नहीं आएगा? अष्टदेव में तो पहला देव कौन है? महादेव कौन है? अरे जो आठ देवताएं हैं उनमें महान देव कौन है? बड़े से बड़ा देवता कौन है? महादेव, वो क्यों नहीं आएगा? वही नहीं तो फिर जैसे ना उस टाइम बोले कि आठ और दो मामा बाबा, दस आठ दो दस, जैसे 108 में दस बात की है। नहीं, बाप तो है ही है, उसके अलावा सात देवता और हैं। उन सात में जो एक मुखिया है वो चंद्रवंशी होगा। बाप तो है सूरज। शिव बाप आते हैं तो पहले पहले कौन से देवता को ज्ञान देते हैं?
सूर्य को देते। तो वहाँ जो 218 में बोले तपस्या व्रत, तो क्या वो सबके लिए तपस्या व्रत 218 में शुरू हो जाएगा? हैं? सबके लिए क्यों? जो पुरुषार्थी होंगे, तपस्या करने वाले होंगे, उनके लिए होगा तपस्या व्रत, न कि सबके लिए होगा? बेहद में होगी और हद में भी होगी या सिर्फ बेहद में होगी? हैं? बेहद या बेहद और हद दोनों में होगी तपस्या व्रत? क्या हद में तपस्या क्या होती है? तपस्या होती है आत्म की स्थिति में रहना। पीके से होने वाली आत्मा है, पीके वाले तो जानते ही नहीं तपस्या क्या होती है। उस समय तो वो भी मतलब विजय माला भी प्रत्यक्ष हो जाए। विजय माला जो है वो सब पीके वालों की नहीं है, जैसे एडवांस वाले में सब धर्मों के लोग घुसे हुए हैं, वैसे जड़ों में भी सब धर्मों की जड़ें, सब धर्मों की आधार है, उसमें इस्लामी भी है बेसिक में, बौद्धी भी है, क्रिश्चियन भी है, हर धर्म के हैं, उनमें चंद्रवंशी भी है जहाँ से विजय माला निकलेगी। तो आज के जो माला है 12-12 मतलब हर धर्म के होंगे वो, मतलब क्षत्रियों के आदि में आएंगे या फिर जो बेसिक वाले हैं उन बेसिक वालों में से सिर्फ चंद्रवंशी ग्रुप निकलेगा, दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हुए पड़े हैं वो नहीं निकलेंगे। और यहाँ रुद्रमाला में, रुद्रमाला में किसी भी धर्म के बीज हों, आगे पीछे सब निकलेंगे, सब रुद्रमाला में आएंगे। जो कन्वर्ट किया हुआ है वो कन्वर्ट तो होते ही नहीं, बीज बीज जो है वो दूसरे धर्म में जाके जन्म लेते हैं, तेसर जन्मों में दूसरे धर्म में जाके जन्म ले सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं, शरीर रहते रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, ये इनकी खासियत है, ये अपने धर्म के पक्के रहते हैं। जितना भी सूर्यवंशी बच्चा है, जितना भी सूर्यवंशी है, नहीं वो तो सारे ही सूर्यवंशी अंत में बनेंगे, 4.5 लाख जो भी बीज है वो सारे ही अंत में सूर्यवंश, सबका छिलका उतर जाएगा, दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका ही तो चढ़ा हुआ है, वो छिलका उतर जाएगा, सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो बाबा कृष्ण और राधा कृष्ण कुछ उनसे खाए पिपल के पत्ते पर, तो जन्म कैसे हो पिपल पत्ते पर? राधा को नहीं दिखाते हैं, कृष्ण को दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर, माना कृष्ण वाली सोल जो है, जो पीपल का पत्ता है उसकी विशेषता क्या होती है? हाँ, जल्दी तो लंबी होती है, हाँ थोड़ी सी हवा का झोंका आया, माया का झोंका आया और जोर से हिलता है। और बाबा कहते हैं भले कितनी भी हल्की नवैया है, पीपल के पत्ते जैसी हल्की नवैया ही क्यों नहीं, नवैया माना कोई शरीर रूपी नवैया है जो पीपल के पत्ते की तरह पुरुषार्थ में डोलने लगती है, लेकिन बाबा हमको धैर्य देते हैं, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, माने जगदम्बा रूपी जो पत्ता है उस पत्ते पर कृष्ण वाली सोल विराजमान है। जगदम्बा जगत की माता है ना, जो जगत की माता है वो वास्तव में आत्मा कौन सी है जो जगत माता का पाठ बजाने वाली है? कृष्ण की जो सोल है वो कृष्ण की सोल ही वास्तव में ब्रह्मा के रूप में जन्म लेती है आखिरी जन्म में, दादा लेखराज वही ब्रह्मा बनता है। और ब्रह्मा के लिए कहा है ये दाढ़ी मूछ वाला जो ब्रह्मा है उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है शरीर छोड़ने के बाद, तो जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। मुरली ने बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, क्या ओम राधे जगदम्बा नहीं है क्या? यज्ञ के आदि में जो माता थी वो भी जगदम्बा नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे जगत की माता होगी उसका विशेष गुण कौन सा होगा? सहन शक्ति। वो सहन शक्ति आदि वाली माता में भी नहीं थी, और वही माता अभी दोबारा जन्म लेकर के आती है, तो सहन शक्ति की
सहन शक्ति के आधार का पार्ट नहीं बजाती, लेकिन वो तब बजाती है क्योंकि उस आत्मा को सारे संसार का संहार करने का पार्ट मुद्रा हुआ है। देवताएं संहारकारी है या शक्तियां संहारकारी है? शक्तियां संहारकारी है, तो संहार कारिणी शक्तियों में जगदम्बा है सबसे आगे, और उस जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, तब वो जगदम्बा के रूप में असुर संहारिणी बनती है। यानी कृष्ण की सोल अभी जगदम्बा में प्रवेश करेगी, क्योंकि कृष्ण ने ही सबसे ज्यादा सहन किया है। ब्राह्मण परिवार के बीच में सबसे ज्यादा सहन किसने किया? कृष्ण ने। क्या सहन किया? आसुरी बच्चों के अत्याचार को सहन किया। तो आखिरी जन्म में हिसाब किताब तो बच्चों के साथ जुटा ना, तो जिन्होंने सहन कराया वो हिसाब किताब पूरा कब होगा? यही पूरा होगा या सत्युगम पूरा होगा? यही पूरा होगा। तो वो ब्रह्मा की सोल जिसने इतना सहन किया कि अपनी जान भी दे दी, फिर भी बच्चों का भला करने के लिए अभी भी गुलजार दादी में जाकर के प्रवेश करते हैं, वही कृष्ण की सोल फिर जब जगदम्बा में प्रवेश करती है तो असुर संहारिणी का पार्ट बजाती है। इसलिए कहा जाता है धर्मराज शंकर प्रलयंकर। शंकर कोई एक आत्मा का नाम नहीं है, शंकर माने मिक्स। तो धर्मराज का रोल सबसे ब्रह्मा के सोल द्वारा है। धारणा सबसे ज्यादा किसमें थी? ब्राह्मणों की दुनिया के बीच सबसे जाती धारणा का पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा बाबा ने बजाया। तो जिसने सबसे जाती धर्म धारणा का पार्ट बजाया वो धर्म का राजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए, तो वही धर्मराज है। शंकर को प्रलयंकर दिखाते हैं। शंकर का अर्थ बता दिया ना, शंकर कहाँ कब जाता है? जब तीन आत्माओं का संकरण होता है, राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, शिव की आत्मा, तीनों आत्माओं का संकरण है तो शंकर है। उस शंकर में भी मुख्य पार्ट किसका है? शंकर के रूप में। शंकर का काम क्या है? विनाशकारी। तो जो विनाशकारी पार्ट है, कैसे भी पार्ट बजाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो प्रेरणा के द्वारा, शंकर की प्रेरणा से विनाश हुआ ना, तो प्रेरणा कौन देने वाला है? जो स्थापना करता है वही विनाश भी करता है। स्थापना प्रत्यक्ष में की और विनाश अप्रत्यक्ष रूप में करेंगे। शक्तियां निमित्त बनती है। राम जो है इन दोनों भाई को दिखाए साथ में और दो भाई को क्यों नहीं? वो विधर्मी है, विदेशी है। विदेशियों को क्यों साथ लेना? स्वदेशियों को साथ लेंगे या विदेशियों को साथ लेंगे? राम और लक्ष्मण तो साथ रहते थे, लेकिन लक्ष्मण क्रोधी था और राम शांत स्वभाव का था। राम तो भगवान है, वो तो बच्चे है। हाँ जी, जैसे बाबी के कही एक भाई मतलब सवाल किया था, फिर वो बोला क्या कि जब बाबा भारत में ही आते हैं भगवान, तो फिर बाबा यानी कराची से वहाँ माउंट आबू क्यों चलेंगे और कराची फिर पाकिस्तान में? चलो कराची था उस समय, कराची हिंदुस्तान था या पाकिस्तान था? हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान ही अभी भी रहना चाहिए ना, अभी क्यों पाकिस्तान? जब भारत खंडित हो जाए तब तो अखंड भारत बनाने के लिए आए। जब भारत सारा ही भारत व्यभिचारी बन जाए, विदेशियों के प्रभाव में आ जाए, तब तो भारत को उत्थान करे आगे। गिरे हुए का उत्थान किया जाएगा या उठे हुए का उत्थान किया जाएगा? गिरे हुए उत्थान करने के लिए भगवान आता है, खंडित भारत को अखंड भारत बनाने के लिए आता है। अच्छा, अव्यक्तवाणी में मतलब हर देश का आता है, लेकिन पाकिस्तान का क्यों नहीं आता है? पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आता? पाकिस्तान किस देश का हिस्सा है?
भारत देश का हिस्सा है, जो है भारत देश का हिस्सा है, उससे तो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ जैसे पाकिस्तान उसका नाम क्या था, जो पाकिस्तान है तो वहाँ पाप अधिक होता है वही नहीं। असल हिंदुओं में चोरी छुपे शादियां कितनी कर लेते हैं, हिंदुस्तान में चोरी छिपे शादियां कितनी कर लेते हैं, और पाकिस्तान या मुस्लिम देशों में सख्त नियम है कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा चार शादियां कर सकता है। तो ज्यादा व्यभिचारी कौन हुए, हिंदुस्तानी ज्यादा व्यभिचारी होगा। भारत के राजा है ना, एक एक राजा कितनी रानियां रखता था, सैकड़ों रानियां रख लेते थे, यह था राजा तथा प्रजा। प्रजा के पास तो इतनी धन संपत्ति है नहीं, इतनी मिल्कियत है नहीं, तो खुलेआम तो रख नहीं सकेगा, तो क्या करते थे, वो चोरी करते थे प्रजा वर्ग के लोग। अरे जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी ना, तो प्रजा सारी भ्रष्टाचारी हो गई, भारत का पतन हो गया। तो भगवान कहाँ आता है, सोमनाथ के मंदिर को मतलब 17 बार आक्रमण किया मंदिर पर इस्लामिया ने, तो वो मतलब हाथ में इस्लामिया ने नहीं आक्रमण किया, मुसलमानों ने आक्रमण किया, तो वो फिर बेहद में भी तो कोई ऐसा होगा जो यहाँ बेहद में। सोमनाथ का मंदिर कौन सा है पहला, पहला अहमदाबाद का पाली सेवा केंद्र, तो पाली सेवा केंद्र पर कितने कितने आक्रमण हुए, जैसे ये सोमनाथ मंदिर है स्थूल में, वो सोमनाथ मंदिर नया बनाया गया है क्या, जो पुराना मंदिर था उसका नाम निशान खत्म हो गया, पाली सेंटर नहीं हुआ। ऐसे ही पाली सेंटर जो साबरमती नदी के किनारे था वो नेस्त नाबूद हो गया, दूसरा नया बना के खड़ा कर दिया। सोमनाथ के मंदिर के लिए बोला है, सोमनाथ मंदिर है तो सोमनाथ के साथ सोमनाथ ने भी होगी कि अकेला होगा, सोमनाथ ने भी होगी, दोनों ही निकलते हैं वहां से। एक मुरली में बोला है कि उन बच्चों को काशी कलवट खाना है, काशी कलवट खाने का क्या है, काशी कलवट खाने का मतलब ये हुआ जो भी आए और वहां अर्पण हो जाए, क्या अपने को कलास कर दें, समर्पित करें। जो काशी करवट खाते थे तो सर अलग और देह अलग, माने देहवान अलग हो जाए। तो काशी करवट खाना हद में भी हुआ, हद में हुआ है तभी तो बोला है बेहद में होगा। काशी में, काशी नगरी ही तो वो स्थान है जहाँ याद का तेज है, आपको लोग काट देते, काट के माना तेज, सब थोड़े ही काट देते थे, ऐसे हिम्मतवान होते थे वो जाके अपने को अर्पण कर देते, अपने को अर्पण किया तो पूर्व जन्म के पाप खलास हो गए, लेकिन अगले जन्म में फिर पाप करना तेजी शुरू कर देते थे। एक आत्मा है, एक ही चोला कितने बार ले सकता है, इसे एक आत्मा एक ही चोला कितने बार ले सकता है, पुरुष का चोला दो बार, चाहे स्त्री भी दो से दो बार ले सकते हैं, और आत्मा पुरुष चोले भी दो बार ले सकते हैं, लेकिन जगदम्बा 3 बार चोला ले सकता है, ये क्या प्रूफ है, इसका प्रूफ तो पक्का कुछ भी नहीं है, ऐसे कह दिया जगदम्बा ने 3 चोले लिए, कहते बाबा जी वहाँ वो तो रुद्रमाला का मणका है, रुद्रमाला के मणकों में स्वभाव संस्कार से पुरुष वृत्ति ज्यादा होती है, स्त्री वृत्ति ज्यादा होती है, तो जिसमें पुरुष वृत्ति ज्यादा होगी वो स्त्री चोले ज्यादा लेगा या पुरुष चोले ज्यादा लेगा, जगदम्बा तो सारी दुनिया को कंट्रोल करेगी, कंट्रोलिंग कर पावर जो होती है वो पुरुषों में ज्यादा होती है या स्त्रियों में होती है। तो इससे पहले कहाँ थे, कौन जगदम्बा कहाँ थी,
जहाँ कहीं भी हो। अच्छा तो फिर कहते हो कि ये संगम युग में जो 84 जन्म लेते हैं ना टोटल, तो 84 जन्म में भगवान मिलते हैं। 84 जन्म कहाँ मिलते हैं भगवान? लास्ट जन्म जो है लास्ट 84 वे जन्म में। 84 में जन्म, तो ये दो दो जन्म जो लिए तो कौन सा जन्म कहेंगे? कितने दो दो जन्म लिए? मुझे मैसे बोला है कि जिसने पूरा 84 जन्म लिया उन्हीं को यज्ञ सुनाता हूँ। नहीं जैसे कि बाबा थे पिता, तो वो तो पहले ज्ञान में आए ना, फिर शरीर लिया, उसको कौन सा जन्म कहेंगे? जो पहले ज्ञान में आए वो 84वां जन्म थे, पहले 36 में, 36 में जो लिया ज्ञान उस समय वानप्रस्थ अवस्था तो थी, लेकिन जो भी अवस्था थी उस अवस्था में अगली अवस्था में 40 साल ऐड हो जाते हैं। क्या जिसमें प्रवेश किया उसका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा हुआ ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में कितनी गायी हुई है? 100 साल गायी हुई है, तो 7 साल में उस समय प्रवेश किया और बाकी जो टाइम रहा वो दूसरा जन्म लेकर के आता है तो वो ऐड हो जाता है। तो 84वां ही जन्म कहेंगे? हाँ, 84वां जन्म जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, उसमें 84वां भी है और पहला जन्म भी है सतयुग का। उसको जो 76 से नया जन्म हुआ उसको ये नहीं कह सकते वो 84वां ही है, क्योंकि उसी जन्म से कंचन काया भी बनेगी, तो कंचन काया बनेगी तो पहला जन्म का आ जाएगा, लास्ट जन्म का आ जाएगा, पहला जन्म का आ जाएगा। अच्छा ये कि जो एडवांस में आ रहे हैं डायरेक्ट जी, वो पहले बेसिक में होंगे जरूर, जो कि अभी ज्यादा उम्र के हैं वो एडवांस में डायरेक्ट आए, तो वो कौन सा? मानो 70 साल के हो गए कोई, यहाँ तो 70 साल का कोई बैठा नहीं है। नहीं बैठा है, लेकिन मान लो कोई है 70 साल के, तो इससे ये साबित होता है कि वो पहले जन्म में भले नहीं थे, माने ज्ञान में नहीं थे, सन 36 से ज्ञान में नहीं थे, लेकिन राम वाली आत्मा के साथ रहे होंगे, इसलिए वो संस्कार उनके अंदर भरे हुए हैं। क्या? एडवांस के संस्कार राम वाली आत्मा के साथ रहने के कारण, तो वो संस्कार लेकर के फिर आ गए इधर आ जाते हैं। पहले जब बाबा आया उस टाइम से पहले, हाँ जी, हाँ, सेवक राम के साथ वो आत्मा पहले यज्ञ में आने से पहले रही होगी, इसलिए वो अभी अगर यज्ञ में आ गए और उनकी उम्र ज्यादा है तो इससे ये साबित होता है कि उनके पूर्वजन्म के संस्कार राम वाली आत्मा के साथ के हैं, इसलिए वो आ गए। बाकी जितने नया एज के हैं सब बीके थे? नहीं नहीं, नए एज के भी उनमें वो जो ज्ञान में फट से पकड़ लेते हैं एडवांस को, नहीं जो दीदी दादियां हैं उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है? फट पकड़ लेते हैं, इसका मतलब इनके पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं ज्ञान के, इसलिए फट से उन्होंने ज्ञान एडवांस ज्ञान पकड़ लिया। बाबा अब जो शरीर छोड़ेंगे तो क्या वो अभी जन्म लेंगे? कौन बेसिक वाले या एडवांस वाले? एडवांस वाले, एडवांस वालों की तो बुद्धि में कूट कूट के भर जाता है हमें कंचन काया बनानी है, इसी जन्म में बनानी है, इसका मतलब उनकी बुद्धि में तो बात बैठी हुई है कि हमें शरीर को क्या बनाना है? निरोगी बनाना है। तो भले अगर शरीर छोड़ भी दें तो भी अगला जन्म लेकर के वो उस शरीर से निरोगी कंचन काया बनने का पुरुषार्थ करेंगे। दो हजार में किसका विनाश बोला गया था? भारत का विनाश, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की विनाश की बात थी ना, 76 में चुटकी होते ही विनाश बोला गया था या विनाश की शुरुआत थी? चुटकी होते ही विनाश बोला गया था। विनाश चुटकी होते हो जाता है क्या? नहीं, शुरुआत थी, माने ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मणों की दुनिया थी उसमें विघटन शुरू हो गया,
दो पार्टियां हो गई, एक एडवांस पार्टी और एक बेसिक पार्टी, और वो विनाश होते होते खंडित होते होते पूरा खंडन कब हो गया? 2000 में पूरा खंडन हो गया, जब 98 में आक्रमण हुआ एडवांस पार्टी के ऊपर। तो पूरा ही विनाश हो गया। और बीजेपी सेवा करने के लिए वहाँ तो झूठ भी बोलना पड़ता है, जाते हैं तो बहुतों से झूठ बोलना पड़ता है। पांडव जो गुप्त होके घूमेंगे तो बताएंगे बताएंगे क्या हम पांडव हैं? है? तो युक्ति है, झूठ थोड़े ही बोलना है, इससे कोई किसी का नुकसान हो रहा है क्या? झूठ तो वो होता है जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे को दुख हो जाए, दूसरे को ऐसे भी बोलता है। हम लोग आते हैं तो भोग लगाइए, ये चीजें मतलब भोग लगाने के लिए भी दीदी सब बोलते। मुरली में क्या बोला है? ये भोग ध्यान दीदार, ये समय बेकार है, फालतू व्यस्त टाइम गवाना है, या ज्ञान की बात है? बेकार ये तो है, लेकिन वो तो नहीं, अगर उनको नहीं दिया जाए तो वो तो समझ लेंगे। फिर ये मतलब जरूर कोई बात है तब ना, मतलब जितने भी भाई बहन जाते हैं तो ही भोग लगाते हैं। जो भगत होंगे वो तो भोग लगाएंगे। किसको भोग लगाते हैं? कौन खाता है? ब्रह्मा खाता है? ब्रह्मा है वहाँ खाने वाला? नहीं है ही नहीं। तो फिर भोग को फालतू एक नाम रख दिया है, जैसे भक्ति मार्ग में भोग लगाने का उपक्रम रखा हुआ है अंधश्रद्धा पूर्वक। तो यहाँ तो मतलब वो जो बोलती थी आप लोगों को भाई भोग लगना चाहिए, तो क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मतलब वो तो जबरदस्ती भी बोलने लगते भाई क्यों नहीं देते हैं? मांगने वालों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मांगने से मरने वाला, तो जो मांगने वाला है वो तो पाप कर ही रहा है, और जो देने वाला है वो दान किसको देना है? श्रेष्ठ को दान देना है या भ्रष्ट को देना है? श्रेष्ठ को दाना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमें जब मिल गया तो हम भ्रष्ट को दान क्यों देंगे? हमारा लेना देना किससे है? संशय होता है क्यों नहीं देते हैं? उनको संशय होता है तो हम जितना जितना खाते हैं उतना उनको दे देते हैं। वो उनकी जो संदूक की लगी है कि नहीं लगी है? अभी लगी है तो संदूक जी है, एक टन से डाल दो। वो कहते हैं ज्ञान पहले सुनो, हम उनको सुनो तो सुन लो, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे। तुम्हारे पास ज्ञान कम है क्या? और कहते हैं नहीं, पहले हमको सुनो तो सुना रहा, पहले हमारा सुनो। वो कहते हैं तो जब वो सुनाना शुरू करते हैं तब भी तुम पूछना शुरू कर दो। पूछना शुरू कर देते तो बाबा, अगर गुस्सा आया तो ज्ञानी है? जहाँ गुस्सा आएगा वहाँ ज्ञान कहाँ रह गया? वो खोज करा रहे थी वहाँ की। चलो अब वो क्या करते हैं वो छोड़ दो, है ना? करना क्या है? कोई रेखा खींची हुई है तो हम बड़ी रेखा खींच करके दिखा दें। वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो, वो उनको तो भक्ति मार्ग का शूटिंग ही करनी है। दुनियावी लोग जो है उनको ही फॉलो करना है। अगर वो दुनिया के गुरुओं को नहीं फॉलो करेंगे, भक्ति मार्ग को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर राजा कौन बनेगा? राजा बनने में हमारा नंबर कैसे लगेगा? इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। और हमारे यहाँ मानसी मेरी दास से ज्यादा चेला है, सत्संग करते हैं मानसी मेरी दास, तो उनसे कभी कभी लड़ाई हो जाता है। बाबा किसकी? भक्ति मार्ग वालों से? हाँ, दुनियावी जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनसे झगड़ा हो जाता है। हाँ, ऐसे बहस हो जाता है ना। झगड़ा क्यों करना है? हम तो नहीं करते बाबा, वो लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो हम हंसी हंसी में उनसे बात करें, खुश होके बात करें, ये तुम्हारा ज्ञान कैसा है जो तुम नाराज हो रहे हो? तो अपने आप शर्मा जाएंगे। हमारे घर में भी मेरा पिताजी है, वो ज्ञान इसमें विरोध तो नहीं करता है, लेकिन वो छोड़ता भी नहीं है उसको।
ठीक है, वो जिसमें जिसमें भक्ति के संस्कार हैं उनको भक्ति करने दो, छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? मुरली उनका भी बोला है कि भक्तों से कहो तुम भक्ति करना छोड़ दो। नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कहता होगा। हाँ, कहता हूँ जहाँ सच है उनको भक्ति करने दो, भक्ति करने में उनको सहयोग दे दो, लो और करो भक्ति, जल्दी जल्दी भक्ति पूरी करो, भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। बाबा पांच पांडा ये था वह कौन सा जीवा रखा था इसके कौर में? है पांच पांडव जो गए हैं तो जो वो जुआ खेले थे ना बाबा, तो कौन सा वो जुआ है? अरे क्या तन मन धन सब अर्पण करना है ईश्वरी सेवा में, करना है या नहीं करना है? तो जिन्होंने अपना तन अपने बीवी बाल बच्चों का तन सारा ही ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, अपना धन अपना कमाया हुआ पैतृक संपत्ति का आया हुआ सारा धन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया तो ये जुआ नहीं है। जो कौरव हैं उन्होंने अपना तो अपनी मुट्ठी में रखा और पांडवों का जो अर्पण किया हुआ वो भी अपनी मुट्ठी में ले लिया और पांडवों ने दिया तो दिया, हमने भगवान को दिया, वो बेगर हो गए। तो ये जुआ खेला नहीं जा रहा है यहाँ पे। संक्षेत्र में जब घोषणा हुई थी संक्षेत्र में दुनिया का विनाश हो जाएगा तो कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी थे जिन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया था, जो कौरव थे वो सब हथिया के बैठ गए, बड़े बड़े दीदी दादी दादाएं बन के बैठ गए, जोनल इंचार्ज बन के बैठ गए उसी धन संपत्ति के ऊपर, और जो पांडव थे वो आ गए एडवांस पार्टी में। तो पांडव तो द्रौपदी को हार जाते तो ज्ञान इसका क्या होगा? जो सच्चा पांडव होगा वो अपनी पत्नी को भाई समझेगा या पत्नी समझेगा? भाई। जब आत्मा भाई भाई हो गई तो जो कौरव हैं वो उसको अपनी मुट्ठी में लेंगे या हमारी मुट्ठी में रखेंगे? हैं? वो अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, कौरव अपनी मुट्ठी में लेते हैं। कौन है? बाबा की मुट्ठी। पांडव बाबा की मुट्ठी में लेते हैं, कौरव अपनी मुट्ठी। पांडव जो है वो पांडव सच्चे पुरुषार्थी है और कौरव है झूठे पुरुषार्थी, अपनी वोट भी अपने हाथ में रखते हैं, दूसरों को भी वोट अपने हाथ में ले लेते हैं। रामायण में दिखाई बिहार में जो है मंदार हिल पर्वत वहाँ सागर मंथन हुआ है देवताओं और असुरों का, उसमें से अमृत निकला है, यानी वो दिखाया गया रामायण में भी, मतलब इनकी चर्चा है, तो क्या वो बिहार में भी होगी? देखो चार साल ज्ञान सागर मंथन नहीं हो रहा है, बिना मंथन के कहीं मक्खन निकलता है क्या? इसीलिए तो बोला है मुरली में सन 68 तक जो मुरली चलाई गई ब्रह्मा के द्वारा उसमें क्या बोला है, यही तो बोला है कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? गीता को गीता कहेंगे लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सन 68 तक उस ज्ञान का कोई मंथन नहीं हुआ था, मनन चिंतन मंथन ही नहीं हुआ तो सार कैसे निकलेगा? दूध को मंथा जाएगा, दही को मंथन किया जाएगा तो उसमें से सार मक्खन निकलेगा। तो ऐसे ही जो 68 तक मुरलियां सुनाई गई उनका मंथन किसी ने नहीं किया, 68 के बाद से लेकर के और 76 तक मंथन हुआ तो मंथन में से मक्खन निकला सार, एडवांस ज्ञान। वो एडवांस ज्ञान जो है वो है गीता ज्ञान अमृत, अमृत पी करके देवताएं अमर बन जाते हैं। तीन प्रकार के सितारा देख रहे हैं, जोर से बोलो बाबा। तीन प्रकार के सितारे कहे हैं बाबा। हाँ जी, ये उम्मीदवार सितारे, लक्की सितारे, उम्मीदवार सितारे, लक्की बुधवार
उम्मीदवार जिनमें उम्मीद है, अभी उम्मीद पूरी नहीं की है। ये सब क्या है? ये तीन सितारे कह रहे हैं, ये क्या है? लवली है वो, सिर्फ मीठे मीठे हैं, लेकिन मिठास में रह करके अपना भाग्य नहीं बना रहे। बहुत से ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमार रही है, जैसे विजय माला में से जितने निकलेंगे वो सब लवली निकलेंगे या लकी राजा निकलेंगे? लवली निकलेंगे, राजा तो नहीं बने। ऐसे वर्क नहीं करते, सही मेहनत नहीं करते, केवल नाम रखे हैं। और जब त्रेता से द्वापर की शूटिंग हो रही थी तो जो ज्ञान में नहीं आए थे तो उनकी शूटिंग कैसे हुई द्वापर की? द्वापर की शूटिंग जब हो रही थी तो जो जो ज्ञान में नहीं आए होंगे जो भी आत्मा, तो उनकी शूटिंग कैसे हुई द्वापर की? मन जैसे कोई जैसे हम लोग 6 साल से ज्ञान में है, यानी 2000 से हम लोग ज्ञान में है, उनके पहले ही त्रेता युग की शूटिंग समाप्त हो चुकी, ये सब द्वापर की शूटिंग समाप्त हो चुकी है। जो ज्ञान में आए 2000 से उनका द्वापर का शूटिंग कैसे हुआ? मैंने यज्ञ के आदमी आप नहीं थे, भूल गए। आधा ज्ञान याद रहता आधा भूल जाते। यज्ञ के आदमी थे कि नहीं आप? तो सत्यु प्रधान सत्यु की शूटिंग करके आए ना। कोई एडवांस में मतलब बच्चे चल के भी गिर जाते हैं, और वैसे मतलब पहले भी ज्ञान में चलते थे लेकिन पूरा चल के और फिर बिल्कुल ही गिर जाते हैं, वो क्या है? राजा ही नीचे गिर गए, प्रजा में चले गए, प्रजा वर्ग में भी दास दास ही बन गए, बिल्कुल ही छोड़ दे, चांडाल चांडाल नहीं बन गए, तो अभी वो सतयुग में आएंगे, बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो बाबा ने तो कहा तुम जो ज्ञान में अभी चल रहे हो ना, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। एडवांस में बोला कि नहीं? वो अगर तुम्हारी बोला ना, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अभी नहीं चल रहा है, अभी तो अभी ज्ञान में भी नहीं चल रहे हैं, तो भी वरदान दिया हुआ है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तुम्हारा माने किसका? बेसिक वालों का? बेसिक वालों का नहीं, एडवांस वालों का। एडवांस वालों का जो पूरा परिवार है वो तब ज्ञान में चलेगा जब एडवांस का जो बाप है साकार में सच्ची पर आया हुआ वो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो एडवांस वालों की कदर बढ़ जाएगी उनके परिवार में कि देखो भगवान को हमने नहीं पहचान पाया और इन्होंने पहचान लिया, ये पहुंचे हुए गुरु निकले, और हम इतनी भक्ति अक्ति करते रहे थे दुनिया, हम समझते थे कि हम आगे हैं लेकिन हम पीछे रह गए। पार्टी को ज्यादातर नीचे का सेवा करना चाहिए या दुनिया वालों? आग जब लगती है घर में तो दूसरों के घर में जाकर के पानी डाला जाता है कि पहले अपने घर की आग बुझाई जाती है? आग लगी हुई है तो जो अपने घर परिवार के बाप के बच्चे हैं, जो खास करके जो टूटे हुए हैं पहले के, वंचित हुए पड़े हैं, उनको पहले उठाओ। मतलब जीके में भी ऐसे ऐसे भाई हैं जो दीदी से हमेशा ना खुश रहता है लेकिन फिर भी समझ के भाई के रूप में काम करता है। हाँ तो उनको ज्ञान दो ना। और अच्छा बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि की थी, तो समझ में नहीं आई तो बिगाड़ दी। 4 बार शूटिंग होती कि नहीं? 4 बार 4 बार शूटिंग हुई तो उसी समझ में आए ना। ये कि आज में सच्ची जैसी नहीं समझ में आई, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से आज में विनाश ज्वाला निकली ना, विनाश हो गया ना,
एक बार, फिर दूसरी बार 75 में विनाश हो गया ना, फिर तीसरी बार 98 में, जो शक्ति 75 में रखती है एडवांस पार्टी की, वो एडवांस पार्टी में विघटन कब हो गया? 98 में विघटन हो गया, तो तीसरी बार हो गया। अब जो निकल रहे हैं अष्टदेव, ये पक्के हो जाएंगे। तो सृष्टि रखी तो बाबा अकेले को वो हम सहयोग नहीं भी होंगे ना, सहयोग नहीं था अष्टदेव, अष्टदेवों की शक्ति रखी जाएगी नहीं, पहले जगदम्बा नहीं थी। और सहयोगी शक्ति की स्थापना प्रवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है, तो बिना सहयोगी शक्ति के कैसे काम होगा? झारखंड में एक देवघर से आए ना, देवघर में बाबा वासुकीनाथ का वो है तपोवन है, मंदिर है बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि एक बैजू नाम करके यादव था, उसी ने उसको लाया है, शिव को, शिवलिंग को, वही रावण ने ले जा रहा था, तो रावण ने उसको कहा कि मैं इसको पकड़ो, मुझे बाथरूम जाना है, फिर उसको दे दिया, तो उसका बाथरूम ही खत्म नहीं हुआ, शाम करता रहा और वो थक गया बैजू, थक गया, फिर वो वहीं रख दिया। क्या है बाबा? देखो मंथन करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि बाबा ने बोला है शास्त्रों में सब भूसा भरा पड़ा है, क्या शास्त्रों में जो भूसा भरा पड़ा है उस भूसे के अंदर से जो दाना है वो बाबा चुन चुन करके ज्ञान रत्नों में सुना रहे हैं, तो बाबा शास्त्रों की जो जो बातें तुमको सुना रहे हैं उनका मनन चिंतन मंथन करो। भूसे को बाबा ने छोड़ दिया तो हमको भी क्या करना है? उन्हीं बातों को उठाएं जो बातें मुरली में बाबा ने शास्त्रों की उठाई हुई है, उनमें मनन चिंतन मंथन करें। अगर सब बातों को पकड़ेंगे, जैसे मुरली में बोला कि रामायण भागवत और महाभारत में तुम चाहो तो टैली कर सकते हो, क्या इस समय की बातों से रामायण भागवत और महाभारत की बातों को तुम टैली कर सकते हो? ये नहीं कहा टैली करो, कर सकते हो, हाँ। बाकी तो बाबा सारा ज्ञान सुनाते ही हैं। कौन सुनाता है? पीयू किसे कहा जाता है? पीयू माना क्या? पीयू माने कोई नहीं, पति। पीयू माने बाप। बाप बाप कौन है? सिंधी भाषा है। हाँ सिंधी भाषा है। बाप कौन है? पहले पहले बाप कौन है? सेवा नहीं, पहले पहले बाप सेवा राम, राम का भी बाप कौन है? प्रजापिता का भी बाप कौन है? शिव बाप। तो वो ही पीयू है, वो ही पीयू की वाणी आदि में चलती थी। जब पीयू चला गया तो दो माताएं थी, यदि मैं माताएं निमित्त थी ना, उनके द्वारा चलता रहा। अच्छा ये राधा बच्ची जो है ये कलकत्ता से निकली थी या फिर से निजामाबाद से? अरे ये किसी आदि में दो माताएं थी, जैसे वो बगल से ही। सुनो बाबा ने बोला है मैं अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो तीन मूर्तियों में छोटी माता और बड़ी माता दोनों माताएं थी या नहीं थी? है दोनों माताएं थी। हाँ जी। और टाइम होने जा रहा है, खाई है?
दूर रहता है बाबा। तुमने पहले कभी जल्दी मचाई होगी कि आप जल्दी आओ। जल्दी प्रोग्राम तो ऐसे ही बनता है जल्दी वाला। जल्दी जल्दी मचाई तो उसमें जल्दी में प्रोग्राम जो बीच में घुसेड़ा जाता है। था नहीं प्रोग्राम, लेकिन वो बीच में डाल दिया गया। बहुत हैं हाँ। बच्चे तो एक ही चीज बताते हैं जल्दी। हाँ जी हाँ जी। और आप चले जाइएगा बाबा जल्दी। हाँ चले जाइएगा जल्दी। हाँ ये तो सब दिन के लिए हो गया ना, शूटिंग हो गया ना बाबा। हाँ जल्दी जाओ। क्या हुआ? तुम्हारी भी तो जल्दी बुलाने की शूटिंग हो गई ना। अभी एक काम पक्का करना, कैसे भी करके एक जगह क्लास करना बहुत जरूरी, नहीं तो आखिर की जो परीक्षा है उसमें जरूर फेल हो जाना। कम से कम महीने में 4 क्लास को जरूर होना चाहिए। हाँ सबका होना चाहिए। और दूसरी बात, बाबा की VCD जरूर देखना कोशिश करके। सेवा में निकलेंगे बाहर वो कैसे कर है? जो है सेवा में बाहर निकले होंगे दूर दूर, वो अपने पास अपना छोटा टैबलेट काट रखे। आजकल तो छोटी कैसेट वाला टैबलेट काट निकल चुका है। जो सेवा करते हैं उनके बुद्धि में अपने आप ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है। सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं, सबसे उन बच्चों को बाप खुद याद करते हैं। जिनको बाप याद करेगा उनकी बुद्धि में तो ऑटोमेटिक ज्ञान टपकता रहता है, मुरली चलती रहती है हर समय। और जैसे कोई भी सेवा के सेवा में गए और कोई सवाल आया तो उनको ईमेल कर सकते हैं या फिर ईमेल करो, डायरेक्ट फोन से बात करो। फोन नंबर क्या है? विजय विहार का फोन नंबर नहीं है तुम्हारे पास? 0007 वाला फोन नंबर सबको सारी ऑल इंडिया मिला हुआ है। उनको कहो बाबा क्या हमें बहुत जरूरी है, हमारा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा जल्दी बात कराओ।